हेलो स्टूडेंट, पिछले लेक्चर में हम लोगों ने देखा था ओरिएंटेशन इन इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ठीक है, हमने ये देखा था कि अगर बेंजीन के साथ सब्स्टिट्यूएंट लगा हुआ हो तो पहले आप ये पहचानो कि वो सब्स्टिट्यूएंट कौन सा है, एक्सेप्टर है या डोनर है। एक्सेप्टर को हम लोगों ने डीएक्टिवेटर बोला था और डोनर को एक्टिवेटर बोला था। एक्टिवेटर में हम लोगों ने देखा था कि जब हम लोगों का बेंजीन के साथ कोई डोनर ग्रुप लगा हो, यानी कि एक्टिवेटर लगा होगा, तो उस केस में आपका ग्रुप जो होगा, यानी आपका जो इलेक्ट्रोफाइल होगा, वो आपका ऑर्थो और पारा पेयर टाइप करेगा। और अगर आपके पास बेंजीन रिंग के पास एक्सेप्टर लगा हो, यानी डीएक्टिवेटर लगा हो, तो उस केस में आपका इलेक्ट्रोफाइल जो होगा वो मेटा पेयर टाइप करेगा। तो हम लोगों ने पढ़ा कि सब्स्टिट्यूएंट में अगर एक्टिवेटर लगा हो तो ऑर्थो पारा डायरेक्टर होता है, और अगर डीएक्टिवेटर लगा हो तो मेटा डायरेक्टर होता है। ये सब बेसिक चीज हम लोगों ने पढ़ रखा था। अब हम कुछ जानते हैं कुछ इंपॉर्टेंट न्यूक्लियोफिलिक कुछ इंपॉर्टेंट इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के बारे में। तो आप लिखिएगा टॉपिक में सम इंपॉर्टेंट इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, सम इंपॉर्टेंट न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ठीक है, इसमें हम लोग ढेर सारा चीज पढ़ेंगे, चार पांच चीज इसमें पढ़ेंगे। इस चार पांच से आपका अब रिएक्शंस वाला पार्ट स्टार्ट होने लग गया। अब आपका रिएक्शंस वाला पार्ट अब थोड़ा बहुत स्टार्ट होने लग गया, तो ये बेसिक चीज समझिएगा, क्योंकि अब आपका जो आगे हम लोग जो 12th क्लास में पूरा कन्वर्जन ही पढ़ेंगे, उस कन्वर्जन का बेसिक चीज आपको पता चल गया। जैसे आप मान लो आपको बोलेगा कि बेंजीन दिया हुआ है, ठीक है, बेंजीन दिया हुआ है आपको, बेंजीन से बनाना हो टॉलीन, इसका नाम हो जाता है टॉलीन। बेसिक चीज याद रखिएगा, ये मेरा टॉलीन है। जब बेंजीन रिंग के साथ CH3 ग्रुप लगा होता है तो इसको बोलते हैं टॉलीन। जब बेंजीन रिंग के साथ OH लगा हुआ रहता है इसको बोलते हैं हम लोग फिनॉल। जब बेंजीन रिंग के साथ NO2 लगा होता है इसको बोलते हैं हम लोग नाइट्रोबेंजीन, जब बेंजीन रिंग के साथ NH2 लगा रहता है इसको बोलते हैं एनिलीन, इसको बोलेंगे हम लोग एनिलीन। जब बेंजीन रिंग के साथ आपका OCH3 ग्रुप लगा होता है इसको बोलेंगे हम लोग एनिसोल। ठीक है, जब हम लोग तो ये बेसिक चीज हो जाएगा आपका, सिंपल है। तो अगर हम लोग यहाँ पर ये जानेंगे तो ये मेरा एनिलीन हो गया। अगर हम लोग यहाँ पर बोले, अगर यहाँ पे हो जाएगा आपका ये हो जाएगा आपका C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड CH3, तो ये हो जाएगा आपका एसीटोफिनॉन, एसीटोफिनॉन क्यों बोले, तो यहाँ पर CH3CO ग्रुप मेरा एसीटो ग्रुप है और यहाँ पर बेंजीन के साथ बना हुआ है इसलिए एसीटोफिनॉन हो जाएगा। अगर हम लोग इसी को बेंजोफिनॉन बोलते हैं तो बेंजोफिनॉन ये हो जाएगा जब यहाँ पर भी बेंजीन C डबल बॉन्ड हो और इसके साथ भी आपका क्या होगा तो बेंजीन ग्रुप ही लगा रहेगा, तो ये हो गया मेरा बेंजोफिनॉन, ये हो गया मेरा बेंजोफिनॉन। तो ये बेसिक बेसिक चीज है जिसको आपको कन्वर्ट करने के लिए क्वेश्चंस में आएगा कि कैसे आप बेंजीन से एसीटोफिनॉन में कन्वर्ट करोगे। एसीटोफिनॉन कहने का मतलब बेंजीन रिंग के साथ COCH3 ग्रुप, एनिलीन बेंजीन रिंग के साथ NH2 ग्रुप, एनिसोल बेंजीन रिंग के साथ OCH3 ग्रुप, टॉलीन बेंजीन रिंग के साथ CH3 ग्रुप, फिनॉल बेंजीन रिंग के साथ OH ग्रुप, नाइट्रोबेंजीन बेंजीन रिंग के साथ NO2 ग्रुप, बेंजोफिनॉन बोले बेंजो कहने का मतलब बेंजीन ग्रुप और फिनॉन कहने का मतलब कीटोन वाले ग्रुप के साथ भी फिनाइल ग्रुप लगा हुआ है, तो ये दोनों तरफ बेंजीन हो जाएगा। ठीक है, तो ये सब बेसिक चीज है, ये सब आपको आना चाहिए। तो ये सब जो आपको सिंपल सिंपल आपको कन्वर्जन होगा, इस कन्वर्जन से हम लोग दे देंगे, क्वेश्चन रहेगा आपके पास कि बेंजीन दे दिया गया है और बेंजीन से आपको बनाना है पारा क्लोरोटॉलीन, ये हो गया आपका पैरा क्लोरोटॉलीन। क्यों पैरा क्लोरोटॉलीन बोले, क्योंकि
क्योंकि देखो आप इस बेंजीन के साथ सीएसडी ग्रुप जुड़ा हुआ है तो ये टॉलिन हो गया और उस टॉलिन के कंपेयर में ये पैरा पेक्लोरो बेंजीन है, इसीलिए हम लोग इसका नाम बोलेंगे पैरा क्लोरो टॉलिन। जो टॉलिन बोले आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है। या ऐसे हम लोग कुछ ले लेंगे, जैसे हम लोग लेंगे मेटा क्लोरो नाइट्रो बेंजीन, जैसे हम लोग ले लेंगे अगर तो यहाँ पर ले लेंगे अगर NO2 और यहाँ पर ले लेंगे CN, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, NO2 के कंपेयर में ये मेटा पे है तो हम लोग इसको बोलेंगे मेटा क्लोरो नाइट्रो बेंजीन। मेटा क्लोरो नाइट्रो बेंजीन, तो ये सब आपको कन्वर्जन में हेल्प आएगा। कैसे हम लोग बेंजीन से टॉलिन बनाएंगे, बेसिक बनाएंगे टॉलिन, तब जाएंगे टॉलिन से हम लोग आगे बढ़ सकते हैं पारा क्लोरो टॉलिन पे, इससे और हम लोग आगे बढ़ सकते हैं, बड़ा बड़ा कन्वर्जन हम लोग करेंगे, जो कि कन्वर्जन वन ऑफ द इजिएस्ट पार्ट है पूरे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का। लेकिन कब, जब आपको रिएक्शन मैकेनिज्म, बेसिक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, बेसिक एडिशन, बेसिक एलिमिनेशन रिएक्शन, आपको जीओसी, ये सब अगर आए तो कन्वर्जन हम बोलेंगे सबसे आसान पार्ट हो जाता है और कन्वर्जन से सबसे अच्छा और सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछा जाएगा। कन्वर्जन इन जनरल जिनका इस सब पे कमांड नहीं होता है, जैसे कि जीओसी, जैसे कि मैकेनिज्म, जैसे कि बेसिक्स, तो इस सब पे अगर आपको दिक्कत है तो आपको इस सब क्वेश्चन बनाने में यानी कन्वर्जेंस बनाने में बहुत ज्यादा टफ लगेगा और ऑर्गेनिक में तुम कुछ याद नहीं कर सकते हो बाबू, सबसे बड़ी दिक्कत यही है। ऑर्गेनिक में आप याद क्या रखना है, तो थोड़ा बहुत नेम रिएक्शन आपको याद रखने की जरूरत नहीं है, हम बार बार हर क्लास में इतना याद करवाएंगे, इतना बोलेंगे, हर क्वेश्चन में इतना यूज करवाएंगे कि आपको नेम रिएक्शन सारा याद हो जाएगा, ठीक है। कभी भी नेम रिएक्शन आपके लिए हेडेक का काम नहीं करेगा, ये नहीं कि सर बहुत ज़्यादा नेम रिएक्शन हो जा रहा है, याद नहीं कर पा रहे हैं, कन्फ्यूज कर जा रहे हैं, इसका इसमें आ जा रहा है रिएजेंट, इसका इसमें आ जा रहा है रिएजेंट, कभी ऐसा नहीं होगा, आपको एकदम दिमाग में चलेगा। अच्छा, आप जैसे देखो, आप जैसे अगर बोलते हो कि सर ज्योमेट्रिकल कहाँ काम करता है, तो हम लोग जानते हैं सी डबल वन सी दोनों सेम साइड में, तो सी दोनों अपोजिट साइड में, तो ट्रांस, क्या अभी आपको याद करना पड़ा, इतना बार आप सुने कि हम लोगों ने जान लिया कि दोनों अगर सेम साइड में होगा तो सीस बोलेंगे, दोनों अपोजिट साइड में होगा तो ट्रांस बोलेंगे, ऊपर नीचे सेम हो गया तो ज्योमेट्रिकल आइसोमर शो नहीं करेगा। तो ये बेसिक सा फंडा है कि अगर आप एक ही चीज को बार बार क्लास में बाय द हेल्प ऑफ सम प्रॉब्लम, बाय द हेल्प ऑफ सम क्वेश्चंस, अगर आप उसका यूज करोगे तो बच्चे को याद हो जाता है, ठीक है। जैसे तो यार मैथ्स में हर क्वेश्चन याद करना बहुत टफ हो जाएगा, मैथ्स में क्या करते हो, हर क्वेश्चन का आप कॉन्सेप्ट पे जाते हो, हर क्वेश्चन के आप ये इस पे जाते हो कि आपको इस बनाने का तरीका क्या है, मॉडस ऑपरेंडी क्या है, और उसके बाद आप पकड़ लेते हो क्वेश्चन बनाने का, और देन आप प्रैक्टिस करते हो, फिर आप क्वेश्चन में कौन सा फॉर्मूला कहाँ लगेगा, किसको हम लोग एक्स सेट करेंगे, किसको वाई कंसिडर करेंगे, किस हिसाब से क्वेश्चन का अप्रोच होगा, दैट्स अ बिग थिंग। तो अगर हम लोग यहाँ पे बात करें कि सबसे पहली बात है कन्वर्जेंस के केस में, आज से हम लोग का कन्वर्जेंस का मेन टॉपिक स्टार्ट हो जाएगा कि हम लोग सब्स्टिट्यूशन कराने से बेंजीन, मेरा खाली जगह है, खाली प्लॉट है, अब उस पर तुम कैसा घर बनाते हो वो आपके स्ट्रक्चर पे डिपेंड करता है, आपके आर्किटेक्ट पे डिपेंड करता है कि आपका आर्किटेक्टर ने कैसा आपका कंस्ट्रक्ट करने का वो मैप बनवाया है। सिमिलरली अगर हम लोग बोलेंगे यहाँ पे कि अगर आपको बेंजीन खाली प्लॉट दिया है, क्योंकि एरोमेटिक रिंग की बात कर रहे हैं तो हम लोग का सबसे पहले दिमाग में बेंजीन ही आता है, और बेंजीन आपको खाली प्लॉट है क्योंकि वहाँ पर एक भी सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप अभी नहीं लगा हुआ है, तो अब आपको कैसा प्रोडक्ट चाहिए उसके अकॉर्डिंग आपको इलेक्ट्रोफाइल लेना पड़ेगा, और देन उस इलेक्ट्रोफाइल को सब्स्टिट्यूट कराना पड़ेगा, और तब आपको ये भी याद रखना होगा कि जो ग्रुप हम लोग सब्स्टिट्यूट करवाए हैं वो एक्टिवेटर है, डीएक्टिवेटर है, अगर एक्टिवेटर है तो मेटा पे नहीं जा सकता है, ऑर्थो और पैरा पे ही जाएगा। अब प्रोडक्ट में देखना होगा कि मेरा जो ग्रुप लगा हुआ है उसके अकॉर्डिंग कहाँ है, मेटा पे है कि पारा पे है, अगर पैरा पे है तो ग्रुप को एक्टिवेटर रखना होगा, अगर मेटा पे लाना है तो हम लोग को ग्रुप को डीएक्टिवेटर रखना होगा। तो ये बेसिक सा चीज आपको याद रखना पड़ेगा। चलिए जैसे हम लोग बात करो अगर SN1 SN2 रिएक्शन की बात करें, बेसिक सी चीज है, अगर SN1 SN2 रिएक्शन की बात करेंगे तो अगर आपको याद है SN1 SN2 रिएक्शन तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि हम लोगों ने जब SN1 SN2 पढ़ा, जब हम लोगों ने SN1 SN2 का सारा क्वेश्चन किया, तब आपके लिए तो SN1 SN2 बहुत ईजी हो गया था, लेकिन जब SN1 SN2 पे आप 5-6 क्लास निकल गया है तो अब आपको लग रहा होगा सर SN1 SN2 भूलने लग गए। इसका सबसे बड़ा डिमेरिट क्या है कि आप रिविजन नहीं कर पा रहे हो बाबू। देखो सबसे बड़ी बात ये है कि अभी आपका वर्चुअल क्लास चल रहा है, अभी बस आप पढ़े जा रहे हो या हम सिर्फ पढ़ाए जा रहे हैं,
अब दिक्कत क्या है कि आप पढ़ रहे हो कि नहीं पढ़ रहे हो, आप किस वे में पढ़ रहे हो, आप रिवीजन कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो, आपके जो डेली क्लास लगाया जा रहा है आप देख रहे हो, कोई बच्चा देखता होगा, कोई बच्चा 10 मिनट 5 मिनट देख लेता होगा, छोड़ देता होगा, हाँ सर कल कर लेंगे, अभी तो सर फ्री ही रहते हैं, कभी भी देख लेंगे। तो ऐसे करने से आपको क्या होगा, एक सर्टेन टाइम के बाद आपको क्या होगा ना, एक बहुत ज़्यादा ओवरलोड हो जाएगा और फिर आप उसको मैनेज नहीं कर पाइएगा। रीजन क्या है कि आप देखो, देखते देखते जुलाई निकल गया आपका, देखिए मार्च के आसपास में आपका होली के आसपास में स्कूल बंद हुआ था और होली के जस्ट बाद, यानी कि आप समझ लो होली के जस्ट बाद ही बंद हो गया था, एक दो क्लास लेने के बाद 13 या 14 को हमको अप्रॉक्स याद है। उसके बाद आपका क्लासरूम लगभग 4 महीने से बंद ही है, तो आप वर्चुअल क्लास से कनेक्टेड तो हैं लेकिन आप किस वे में कनेक्टेड हैं, आप पढ़ रहे हैं कि नहीं पढ़ रहे हैं, इस बेसिस में हम आपको नहीं बता पाएंगे। रीजन क्या है, जब पिछले बैच का बच्चा जो डेली क्लास आता था, जो डेली कॉन्टैक्ट में रहता था, उससे सिर्फ पूछना होता था और पूछते पूछते बच्चे को याद हो जाते थे। क्या आप अपना भी दिन याद करो ना यार, जब आप ऐसे मेरे दिन पढ़े थे, जब आप नॉमिनिकेचर पढ़े थे, जब आप केमिकल बॉन्डिंग पढ़े थे, तो वहाँ पर सिंपल फजांस रूल तक बेसिक चीज़ आपको हम याद करवा दिए थे, जितना छोटा कैटायन जितना बड़ा एनायन, पोलराइजेशन उतना ज़्यादा, इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग उतना ज़्यादा, कोवलम कैरेक्टर उतना ज़्यादा, आयनिक कैरेक्टर उतना कम, अभी भी आपको बेसिक चीज़ सब याद है। क्यों? क्योंकि उस टाइम क्लास में बहुत सारी बार बोला जाता था, कुछ बच्चे से पूछा जाता था, अगर नहीं बता पाए तो हम बताते थे उसी को, या वो नहीं बता पाए तो बगल वाले से पूछते थे, पीछे से पूछते थे, आगे से पूछते थे, तो बच्चे एक तरह से रिलैक्स नहीं रहते थे, उनको ये एक अंदर से डर था कि कभी यार मेरा भी नंबर आएगा, इस कारण से बच्चे हमेशा रिवीजन में होते थे। अब देखो जो नहीं करना चाहेंगे उनको तो यार भगवान भी आ जाए तो कुछ नहीं कर सकते, जैसा कि हम क्लास में बोलते थे, लेकिन अगर जो बच्चे कोशिश करेंगे उन पे थोड़ा प्रेशर अगर बनाया जाए तो वो बच्चे और कोशिश करेंगे और मेहनत करेंगे। डिपेंड करता है कि आपको किस तरीके का एडेप्टेशन दिया गया, किस तरीके का आपको सिचुएशंस दिया गया, क्रिएट किया गया। अब यहाँ पर आप बेसिक चीज़ बताओ, अगर ये हम लोगों को बेसिक चीज़ सब पता चल गया, कैसे SN1 होगा, कैसे SN2 होगा, SN1 मेरी एक्टिविटी किस पे डिपेंड करेगा, SN2 मेरी एक्टिविटी किस पे डिपेंड करेगा, तो ये बेसिक चीज़ अगर आप जान जाओगे तो आप इतना यकीन करो कि आपको क्वेश्चन बहुत टफ नहीं लगेगा। क्लियर? अब यहाँ पर आप एक चीज करो, जैसे ये बेसिक चीज हम बता दिए, SN1 में हम लोगों ने देखा था कि 2 स्टेप होता है, SN1 में हम लोगों ने देखा था कि 1-2 ट्रांजिशन स्टेट बनता है, SN1 में हम लोगों ने देखा था 1 RDS बनता है, RDS का पूरा नाम रेट डिटरमाइनिंग स्टेप था, SN1 में 1 इंटरमीडिएट बनता है, इंटरमीडिएट का नाम कार्बोकैटायन था, SN1 में रिटेंशन भी बनता है और इन्वर्जन भी बनता है, लेकिन हाँ इन्वर्जन ज्यादा होता है, रिटेंशन कम होता है, SN1 में रेसमिक मिक्सर का भी फॉर्मेशन होता है, SN1 रिएक्शन पोलर या नॉन पोलर, वो आपको समझ में पूरा आना चाहिए। पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट होगा, ऑफ पोलर ऑफ प्रोटिक सॉल्वेंट होगा, ये कैसे कंडीशन लगाएंगे, कहाँ पे आपका सॉल्वेंट ही आपका न्यूक्लियोफाइल की तरह काम करेगा, ये सब सारा पार्ट आपको पता होना चाहिए। ठीक है, ये कॉमन नेम आप लिख लो, उसके बाद हम लोग स्टार्ट करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन आइडियाज। चलिए हम बात करेंगे कुछ इम्पोर्टेंट इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की। यहाँ पर हम लोग बात करें तो हम लोग के पास 3-4 होता है, एक हो जाएगा आपके पास हैलोजिनेशन, एक हो जाएगा आपका हैलोजिनेशन, एक हो जाएगा आपका नाइट्रेशन, एक हो जाएगा आपका सल्फोनेशन, एक हो जाएगा आपका फ्रेडल क्राफ्ट एल्काइलेशन, और एक उसी में हो जाएगा फ्रेडल क्राफ्ट एसाइलेशन। देखिएगा, ध्यान दीजिएगा, एक तो हम लोग पढ़ेंगे हैलोजिनेशन, एक पढ़ेंगे हम लोग नाइट्रेशन, एक पढ़ेंगे हम लोग सल्फोनेशन, एक पढ़ेंगे हम लोग फ्रेडल क्राफ्ट एल्काइलेशन, और एक पढ़ेंगे फ्रेडल क्राफ्ट एसाइलेशन। ठीक है, एक पढ़ेंगे एल्काइलेशन, एक एक टर्म समझेंगे क्या होता है। सबसे पहले हम आप लिख लीजिएगा कुछ इंपॉर्टेंट में, तो पहले हैलोजिनेशन, फिर नाइट्रेशन, फिर सल्फोनेशन, फिर फ्रेडल क्राफ्ट एल्काइलेशन, और फिर फ्रेडल क्राफ्ट एसाइलेशन। ठीक है, अब यहाँ पर एक चीज समझिएगा, सबसे पहले हम जानते हैं हैलोजिनेशन में क्या करेंगे, तो आप यहाँ समझिएगा, सबसे पहले आप लिख लो हैलोजिनेशन, नाइट्रेशन, सल्फोनेशन,
फ्रेडल क्राफ्ट एल्काइलेशन, फ्रेडल क्राफ्ट एसाइलेशन, फ्रेडल क्राफ्ट एसाइलेशन, फ्रेडल क्राफ्ट एल्काइलेशन। अब क्या करते हैं इस एल्काइलेशन में, क्या करते हैं इस एसाइलेशन में, क्या करेंगे हैलोजिनेशन में, नाइट्रेशन में और सल्फोनेशन में। अब ध्यान दीजिएगा, इस पांचों पे हम लोग ध्यान रखेंगे। हैलोजिनेशन क्या होगा, नाइट्रेशन क्या होगा, सल्फोनेशन क्या होगा, एल्काइलेशन क्या होगा और एसाइलेशन क्या होगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं हैलोजिनेशन के बारे में। सबसे पहले हम बोले कि आपको जो प्लॉट मिला है जिस पे आप घर बनाते हैं वो खाली जमीन होता है। सिमिलरली जब कभी भी आप सब्स्टिट्यूट कराओगे तो इनिशियली सब्स्टिट्यूट कहाँ पर कराना सबसे आसान होगा, जहाँ पर कोई ग्रुप लगा हुआ नहीं है। कहाँ पर कोई ग्रुप लगा हुआ नहीं है, मतलब बेंजीन रिंग है। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं हैलोजिनेशन के बारे में। अब आप हैलोजिनेशन में समझिएगा, सबसे पहले हम लोग ले लिए बेंजीन। अब हैलोजिनेशन में हम लोग जानते हैं बाबू कि या तो फ्लोरीन करवाएंगे या तो ब्रोमीन करवाएंगे। फ्लोरीन मेरा बहुत इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट हो जाता है और आयोडीन मेरा बहुत बल्की ग्रुप हो जाता है। इस कारण से यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कराना फ्लोरीन का और आयोडीन का टफ हो जाता है। अब समझिएगा, अगर हम लोग बेंजीन ले लेते हैं, ये मेरा सिंपल बेंजीन है और इस पे हम लोग को हैलोजिनेशन करवाना है, तो हैलोजिनेशन में हम लोग के ऑप्शन में सिर्फ क्या क्या है, तो क्लोरीन है और ब्रोमीन है, फ्लोरीन आयोडीन नहीं है। जब कभी फ्लोरीन आयोडीन आपको लाना होगा उसके लिए कोई दूसरा उपाय है और वो दूसरा उपाय बहुत आसान है, वो हम लोग पढ़ेंगे। तो आप जानते होंगे आप देखो हैलोजन ग्रुप ला रहे हैं मतलब अल्काइल हैलाइड अपना बन रहा है, एराइल हैलाइड आपका बन रहा है, मतलब इन जनरल इनडायरेक्टली आप अल्काइल हैलाइड पढ़ रहे हो। सिंपल समझना, ये मेरा बेंजीन है। इस बेंजीन पे हम लोग क्या करेंगे, तो Cl2 ले लेते हैं और एक हम लोग ले लेते हैं FeCl3। अब ये FeCl3 क्या है, तो लुईस एसिड है, ये लुईस एसिड है, ये डेफिशिएंट है। तो ये लुईस एसिड क्या करेगा, अगर हम लोग इसको देखेंगे तो यहाँ पर अगर हम लोग मैकेनिज्म की बात करें तो ये Cl सिंगल बॉन्ड Cl है, ठीक है। अब यहाँ पर FeCl3 है, तो ये FeCl3 मेरा इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, तो ये मेरा लुईस एसिड है। तो ये FeCl3 इस Cl को अपने तरफ इलेक्ट्रॉन लेके इस Cl को अपने तरफ खींच लेगा। ये Cl आप बोलोगे सर दोनों के पास सेम इलेक्ट्रोनिगेटिविटी, तो ये Cl इस Cl से कैसे इलेक्ट्रॉन खींचेगा, हम बोलेंगे अकेला रहता। अगर ये FeCl3 नहीं होता तब ये Cl बेचारा नहीं खींच पाता, लेकिन ये FeCl3 है क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, क्योंकि ये लुईस एसिड है, तो ये लुईस एसिड इस क्लोरीन को खींचेगा। तो क्लोरीन जैसे ही जाएगा तो ये क्लोरीन के पास बाहर से स्ट्रॉन्ग पावर आ गया, मतलब एक्सटर्नल पावर आ जाने के कारण ये क्लोरीन इस क्लोरीन से इलेक्ट्रॉन खींचा। जैसे ही खींचा तो ये Cl पे आ गया माइनस चार्ज और ये FeCl3 ये Cl माइनस को लेगा, तो FeCl3 प्लस Cl माइनस यानी बन जाएगा FeCl4 माइनस। और यहाँ पर ये Cl अपना इलेक्ट्रॉन इस Cl को दिया तो एक बन गया मेरा Cl पे प्लस चार्ज। नहीं आ रहा है समझ में, अरे यार Cl2 को आप लिख सकते हो Cl सिंगल बॉन्ड Cl, क्योंकि दोनों का इलेक्ट्रोनिगेटिविटी सेम। तो बताओ यार FeCl3 जो कि मेरा लुईस एसिड है, ये FeCl3 इस क्लोरीन को या इस क्लोरीन को अपने तरफ खींचेगा, जो क्लोरीन खींचेगा वो दूसरे क्लोरीन से इलेक्ट्रॉन लेके जाएगा। तो ये क्लोरीन पे अगर माइनस चार्ज का तब आएगा जब ये क्लोरीन इस क्लोरीन से इलेक्ट्रॉन ले लेगा। जैसे ही ये क्लोरीन इस क्लोरीन से लेगा तो इस क्लोरीन पे चार्ज आएगा पॉजिटिव और इस क्लोरीन पे चार्ज आएगा निगेटिव। तो FeCl3 प्लस Cl माइनस बन जाएगा FeCl4 माइनस, और यहाँ पर Cl प्लस ये बन गया मेरा इलेक्ट्रोफाइल। अब बताओ Cl2 FeCl3 में इलेक्ट्रोफाइल मेरा बना Cl प्लस, अब उस Cl प्लस को बेंजीन पे अटैक कर दो, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि ये मेरा बेंजीन है और इस बेंजीन पे अगर हम लोग यहाँ पर देखेंगे तो ये मेरा बेंजीन हुआ और इस बेंजीन पे अगर हम लोग Cl प्लस को अटैक करवाएंगे तो पाई बॉन्ड टूटेगा, माइनस और प्लस होगा। तो बताओ यार ये इलेक्ट्रोफाइल वहां अटैक करेगा जहां पर निगेटिव चार्ज होगा, ये पाई बॉन्ड मेरा टूटा तो यहां से आ जाएगा आपका ये पाई, यहां पर आ गया Cl, यहां पर एक H है, ये पॉजिटिव चार्ज। हम जानते हैं एरोमेटिसिटी वापस गेन करेगा, ये हम लोग सिंपल मैकेनिज्म जब इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन स्टार्ट किए थे तो हम लोगों ने पढ़ा था। तो बताओ ये H जैसे ही अपना इलेक्ट्रॉन दिया ये बेंजीन वापस अपना एरोमेटिसिटी गेन कर लिया, तो ये बताओ ये H जैसे ही इलेक्ट्रॉन दिया तो ये बेंजीन वापस बना और ये H अपना इलेक्ट्रॉन दे के किया तो H पे चार्ज आ गया प्लस, तो यहां से बन जाएगा बेंजीन रिंग आ गया, ये मेरा Cl अटैच भी हो गया और H+ बाहर भी निकल गया।
आप बताओ यहाँ पर Cl प्लस किस तरह से अटैक करेगा, तो एक क्लोरोबेंजीन बन गया, तो बताओ यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं ये क्लोरोबेंजीन बना और बाहर निकला मेरा H प्लस, और ये H प्लस और ये FeCl4 माइनस में Cl माइनस ऐड हुआ था, तो ये Cl माइनस इस H प्लस के साथ मिल जाएगा। तो बताओ यार हम लोग लिख सकते हैं H के साथ Cl और बाहर जो मेरा निकला हुआ था AlCl FeCl3, वो FeCl3 तो कैटलिस्ट बन गया ना, उसको तो कोई फर्क नहीं पड़ा, इनिशियली भी वही FeCl3 था और निकलने के बाद भी प्रोडक्ट बनाने के बाद भी FeCl3 ही बना रहा, लेकिन बिना FeCl3 का ये रिएक्शन प्रोसीड नहीं कर सकता था। इसका मतलब हुआ वैसा कैटलिस्ट, कहने का मतलब आप समझ रहे हो, जो रिएक्शन में पार्टिसिपेट तो करेगा, रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करेगा लेकिन रेट ऑफ रिएक्शन को इंक्रीज या डिक्रीज कर देगा। तो ये देखो ये FeCl3 पहले भी FeCl3 था, बाद में भी निकल गया, लेकिन इसके बिना आपका काम भी नहीं चलता। ये FeCl3 लुईस एसिड था, ये दोनों क्लोरीन में से एक क्लोरीन को अपने तरफ खींचा, जिस क्लोरीन को खींचा वो दूसरे क्लोरीन से इलेक्ट्रॉन लेके बाहर निकला, तो इस क्लोरीन पे चार्ज आ गया प्लस, इस क्लोरीन पे चार्ज आ गया माइनस, तो FeCl3 प्लस Cl- बन गया FeCl4 माइनस, एक बच गया मेरा इलेक्ट्रोफाइल। ये इलेक्ट्रोफाइल कैसे अटैक करता है, आप E+ करके इन जनरल देखे थे, अब Cl+ कर लिए तो मेरा बन गया क्लोरोबेंजीन। तो जब कभी भी आपको बेंजीन से क्लोरोबेंजीन बनाना होगा, हम लोग यही करेंगे हैलोजिनेशन रिएक्शन, यानी Cl2 FeCl3 करवा देंगे, आपका क्लोरोबेंजीन आ जाएगा। अगर आपको बेंजीन से ब्रोमोबेंजीन बनाना हो, आप Br2 FeCl3 कर दो या Br2 FeBr3 कर दो, कोई दिक्कत नहीं है, बात समझ में आ रहा है। तो जब कभी भी आपको बेंजीन से क्लोरोबेंजीन बनाना होगा, इसमें आपको दिक्कत नहीं होना चाहिए, क्लियर। चलिए तो पहले आप लिखो हैलोजिनेशन रिएक्शन, हैलोजिनेशन में ये पूरा आप लिख लो, ये मेरा बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाएगा हैलोजिनेशन में, आप इसको पहले लिख लीजिए। चलिए अब आगे अगर हम लोग देखें, जैसे अगर इसी पे हम लोग कुछ क्वेश्चन देखे जो जनरली बच्चे गलती करते हैं इनिशियल फेज में, अगर मान लो यार यहाँ पर हम लोग बेंजीन ले लेते हैं और इस बेंजीन पे यहाँ पर ले लेते हैं Br2 और यहाँ पर ले लेते हैं FeCl3, ठीक है, फर्स्ट। सेकेंड हम लोग यहाँ पर ले लेते हैं बेंजीन के साथ, यहाँ पर ले लेते हैं हम लोग Cl2 और यहाँ पर ले लेते हैं FeBr3, ठीक है। थर्ड यहाँ पर ले लेते हैं हम लोग बेंजीन के साथ Br2 और FeBr3, ठीक है। अब इस तीनों में आपको बोलेगा कि प्रोडक्ट क्या बनेगा, तो बड़ा आसान है बाबू, आप हमेशा समझो कि ये मेरा लुईस एसिड है, ये लुईस एसिड ही इसमें से एक ब्रोमीन को इलेक्ट्रोफाइल बनाएगा, तो ये जैसे ही लुईस एसिड है, इस लुईस एसिड से एक ब्रोमीन FeCl3 की तरफ खींचा चला जाएगा। तो ये बताओ यहाँ पर एक Br+ इलेक्ट्रोफाइल बन के खड़ा रहेगा बेचारा, जो जिसको सब्स्टिट्यूट करना है बेंजीन पे, तो बताओ ये ब्रोमीन अटैक करेगा बेंजीन पे या क्लोरीन अटैक करेगा बेंजीन पे। आप ऑब्वियस सी बात है, आप बोलोगे सर इस दोनों में से एक Br- इससे साथ निकलेगा, तो बनेगा FeCl3 Br- और यहाँ का Br+ बेंजीन के साथ अटैच कर जाएगा और जो H+ बाहर निकलेगा वो Br- के साथ जुड़ जाएगा। तो क्या यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं बेंजीन के साथ मेरा आ जाएगा ब्रोमो बेंजीन प्लस HBr, अगर आपको दिक्कत ना हो तो। सिमिलरली अगर यहाँ पर Cl2 FeBr3 है तो भी कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, यहाँ पर भी FeBr3 लुईस एसिड है, इस दो क्लोरीन में से एक क्लोरीन को अपने तरफ खींचेगा और एक क्लोरीन को Cl+ बना के इलेक्ट्रोफाइल बना देगा, वो इलेक्ट्रोफाइल इस बेंजीन पे सब्स्टिट्यूट करेगा। तो बताओ यार यहाँ से आ जाएगा बेंजीन पे क्या क्लोरोबेंजीन और बाहर निकल जाएगा HCl, इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है। यहाँ पर हो जाएगा बेंजीन रिंग के साथ क्या ब्रोमीन और बाहर भी निकलेगा आपका HBr, बात समझ में आ रहा है। बस आप इतना समझ लीजिए कि यहाँ पे हम लोग बेंजीन रिंग के साथ यहाँ पर जब आप I2 करवाओगे और तब अगर FeBr3 करवाओगे ये रिएक्शन पॉसिबल नहीं है, क्योंकि यहाँ से जो आपका बेंजीन के साथ आयोडो बेंजीन तो होगा लेकिन यहाँ से जो आपका एच आई बनेगा ये एच आई बहुत स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है, बहुत स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है और स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट होने के कारण ये आयोडो बेंजीन को वापस रिड्यूस कर देगा बेंजीन रिंग में,
इसीलिए नहीं कर पाते हैं। जैसे सिंपल देखो बेंजीन के साथ I2FeBr3 किए तो आपके दिमाग में चलना चाहिए फिर से वही कहानी सर कि दोनों आयोडीन में से एक आयोडीन माइनस बनेगा, एक आयोडीन प्लस बनेगा, एक आयोडीन जो प्लस वाला है वो बेंजीन से अटैच कर जाएगा, कर गया, और एक आयोडीन माइनस वाला है वो एच प्लस के साथ एच आई निकल गया। तो यहाँ जो एच आई निकला ये स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है जो बेंजीन आयोडो बेंजीन को वापस रिड्यूस करके वापस से बेंजीन पे लाके खड़ा कर देगा। इसीलिए हम लोग आयोडो बेंजीन या फ्लोरो बेंजीन को हैलोजिनेशन के थ्रू सब्स्टिट्यूट नहीं कर पाते हैं, इसके लिए कोई दूसरा उपाय लाते हैं। और एक ये भी कारण होता है कि आयोडीन मेरा बल्की ग्रुप है और फ्लोरीन मेरा मोस्ट इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट है, जिस कारण से आपका बेंजीन पे अटैक कराना टफ हो जाता है। तो हम लोग सिंपल बोलेंगे हैलोजिनेशन कराना बहुत आसान है। हैलोजिनेशन में सबसे पहला काम, जिस कभी भी हैलोजन को आप करवाओगे तो आपको हैलोजन ले लो और उसके साथ एक लुईस एसिड ले लो, वो लुईस एसिड आप FeCl3 ले लो। FeCl3 जैसे ही लोगे तो दोनों हैलोजन में से एक हैलोजन में प्लस एक हैलोजन में माइनस, प्लस वाला बेंजीन के साथ माइनस वाला एच के साथ बाहर निकल जाएगा। सिंपल है, जैसे यहाँ पर Br2 में एक Br+ बेंजीन के साथ और दूसरा BrH जो यहाँ से Br निकला जुड़ा तो एच निकला और वो एच Br के साथ HBr, यहाँ पर आपका Br जुड़ा और HBr बाहर, यहाँ पर आपका Cl जुड़ा और HCl बाहर। क्लियर? तो ये बेसिक कॉन्सेप्ट हो गया आपका हैलोजिनेशन का। अब हम लोग और आगे देखते हैं। चलिए तो हैलोजिनेशन हम लोगों ने देखा, दूसरा हम लोग देखते हैं नाइट्रेशन के बारे में। दूसरा हम लोग देखेंगे नाइट्रेशन के बारे में, दूसरा हम लोग देख रहे हैं नाइट्रेशन के बारे में। अब एक चीज समझिएगा कि बेंजीन के साथ नाइट्रेशन करवाने का मतलब NO2 ग्रुप को लाना, बेंजीन रिंग के साथ यहाँ पर HNO3 और H2SO4 लेते हैं, यहाँ पर कॉन्क भी ले सकते हैं, कॉन्क HNO3 कॉन्सेंट्रेटेड और यहाँ पर कॉन्क H2SO4। याद रखिएगा कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 और कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4। जब कभी भी हम लोग नाइट्रेशन करवाएंगे तो आप याद रखना कॉन्क HNO3 और कॉन्क H2SO4 करवाएंगे तो ये आपका बेंजीन रिंग के साथ NO2 ग्रुप ला देगा जो कि नाइट्रोबेंजीन है, जो कि आपका नाइट्रोबेंजीन है। ठीक है, और यहाँ से बाहर जो निकलेगा वो आपका बाहर निकलेगा आपका H2O, आपका बाहर जो निकलेगा वो निकलेगा आपका H2O। अब यहाँ पर आप बेसिक चीज समझिएगा क्या हो रहा है। अगर हम लोग HNO3 को ऐसे लिखें कि NO2 सिंगल बॉन्ड OH, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, और ये कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 एसिड है, ये एसिड क्या करेगा इस OH+ को खींचेगा, OH+ को खींचेगा तो ये OH पे क्या आएगा, ये OH जैसे ही इससे इलेक्ट्रॉन लेगा तो NO2 पे आएगा प्लस। अब ये NO2 अगर हम लोग इसके मैकेनिज्म की बात करें तो ये NO2 पे प्लस जैसे ही आया तो ये बन गया मेरा इलेक्ट्रोफाइल, ये बन गया मेरा इलेक्ट्रोफाइल। अब इस NO2+ को बेंजीन पे अटैक करवा दो तो ये मेरा बेंजीन रिंग है। इस बेंजीन रिंग पे अगर आप इलेक्ट्रोफाइल को यानी NO2+ को अटैक करवाओगे तो ये इस पे अटैक करेगा माइनस प्लस, माइनस के साथ ये जुड़ जाएगा तो बन जाएगा मेरा क्या, यहाँ पर आ गया NO2, यहाँ पे आपका H, यहाँ पे प्लस, ये इलेक्ट्रॉन देगा वापस एरोमेटिसिटी गेन कर देगा तो यहाँ से बन जाएगा मेरा NO2 बेंजीन के साथ आ जाएगा और बाहर निकल जाएगा आपका यहाँ का H+, यहाँ का OH-, बाहर निकल गया आपका H2O। तो ये एसिड के प्रेजेंस में होता है। तो जब कभी भी हम लोग बेंजीन को कॉन्सेंट्रेटेड यानी कॉन्क HNO3 और कॉन्क H2SO4 से करवाएंगे तो आपका बन जाएगा नाइट्रोबेंजीन प्लस वाटर बाहर निकलेगा। जब कभी भी नाइट्रेशन करवाने का मतलब बेंजीन रिंग के साथ नाइट्रो ग्रुप को लगाना, नाइट्रो का फॉर्मूला NO2 होता है। हम लोगों ने क्या किया HNO3 को हम लोग लिख सकते हैं NO2 सिंगल बॉन्ड OH। अब ये OH है मेरा तो यहाँ पर अगर एसिड के प्रेजेंस में लेंगे तो एसिड क्या करेगा H+ इसको देगा तो ये OH मेरा इस O से नाइट्रोजन से कनेक्टेड है, ये OH मेरा इस नाइट्रोजन से कनेक्टेड है तो ये OH इस नाइट्रोजन से इलेक्ट्रॉन लेके बाहर निकल गया तो यहां का OH- और ये N पे प्लस छोड़ दिया, ये बन गया मेरा इलेक्ट्रोफाइल, ये इलेक्ट्रोफाइल बेंजीन पे अटैक कर गया तो बन गया मेरा नाइट्रोबेंजीन, यहां पर मेरा OH- है और यहां बेंजीन रिंग के साथ जो NO2 अटैच हुआ तो H+ बाहर निकला और वही H+ इस OH- के साथ बाहर निकल के H2O, वहां निकलता था H+ Cl- के साथ या Br- के साथ तो HCl HBr बाहर निकलता था, यहां पर OH- है तो H+ OH- के साथ H2O बाहर निकलता है, वहां पर क्लोरो या ब्रोमो बेंजीन बनता था, यहां नाइट्रो बेंजीन बनता है, वहां Cl2 या Br2 के साथ Fe
HCl3 या FeBr3 लेते थे, यहां पर कॉम्ब HNO3 के साथ कॉम्ब H2SO4 लेंगे, वहां पर आपका एसिड लुईस एसिड था आपका FeCl3, यहां पर आपका एसिड है H2SO4, तो कॉम्ब HNO3 कॉम्ब H2SO4 के साथ करवाएंगे तो आपका बेंजीन नाइट्रोबेंजीन में कन्वर्ट हो जाएगा और वाटर बाहर निकलेगा। तो बेंजीन से नाइट्रोबेंजीन बनाना आपको आ गया, बेंजीन से क्लोरोबेंजीन या बेंजीन से ब्रोमोबेंजीन आपको कन्वर्ट करना आया, क्लियर। तो हम लोग दो चीज देखे, एक देखे हैलोजिनेशन करवाना, वो भी हम लोग क्या इलेक्ट्रोफिलिक का सब्स्टिट्यूशन करवाना हैलोजिनेशन, और दूसरा देखे नाइट्रेशन। अब हैलोजिनेशन और नाइट्रेशन के बेसिस पे हम लोग दो स्टेप में कन्वर्जन जानते हैं, ये तो मेरा एक स्टेप में ही हुआ बेंजीन से नाइट्रोबेंजीन, अब एक स्टेप किए और आपका प्रोडक्ट आ गया, आप बेंजीन से क्लोरोबेंजीन किए, एक स्टेप किए और आपका प्रोडक्ट आ गया। अब हम थोड़ा बहुत आपको लेवल पे ले जा रहे हैं, लेवल नहीं है बाबू, आपके लिए अभी लेवल है, एक टाइम आपको ये सब बहुत बेसिक चीज लगेगा, आपको बहुत हल्का लगेगा, आपको लगेगा इस क्वेश्चन में कुछ दम ही नहीं है। तो अगर हम लोग इसको और आगे बढ़ाएं, जैसे मान लो इसको पहले आप लिख लो, क्या किए हम लोग हैलोजिनेशन में बेंजीन के साथ क्लोरीन यानी Cl2 और FeCl3 या Br2 FeCl3 Cl2 या FeBr3 Br2 या FeCl3 ये करवाओ तो आपका क्लोरोबेंजीन या ब्रोमोबेंजीन आएगा और HBr या HCl बाहर निकल जाएगा। आयोडोबेंजीन और क्लोरोबेंजीन इस मेथड से बनाना टफ है। हम लोग फिर दूसरा देखे नाइट्रेशन, बेंजीन के साथ कॉन्क HNO3, कॉन्क मतलब कॉन्सेंट्रेटेड और कॉन्क H2SO4, ये कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 बनेगा तो बनेगा NO2 यानी नाइट्रोबेंजीन और वाटर मेरा बाहर निकलेगा। मैकेनिज्म में हमने देखा कि HNO3 कॉन्क लोग लिखे NO2 सिंगल बॉन्ड OH, O मेरा नाइट्रोजन से मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, एसिड के प्रेजेंस में ये O मेरा इस एन से इलेक्ट्रॉन लिया तो O पे आया माइनस, NO2 पे आया प्लस, ये बन गया इलेक्ट्रोफाइल, ये इलेक्ट्रोफाइल बेंजीन पे अटैक किया NO2 प्लस पे अटैक किया तो ये मेरा बन गया नाइट्रोबेंजीन, क्लियर। अब यहां से हम लोग एक स्टेप वाला नहीं दो स्टेप वाला क्वेश्चन देखते हैं। जैसे अगर आप सिंपल देखो, अगर आप लोगों को दे दिया जाए बेंजीन से बनाना है, एक बनाना है आपको मेटा क्लोरो नाइट्रो बेंजीन फर्स्ट, ठीक है, और एक सेकेंड आपको बनाना है बेंजीन से पैरा क्लोरो नाइट्रो बेंजीन, ठीक है। अब ये देखो आपको बोला जा रहा है, बड़ा बेसिक से समझिएगा, अरे यार जब बेंजीन से हमको एक बार पैरा क्लोरो नाइट्रो बेंजीन बनाना है ये तो बन जाएगा यार कि NO2 मेरा एक्सेप्टर है तो डीएक्टिवेटर है, डीएक्टिवेटर है तो मेटा रिएक्टर होगा तो मेटा पे क्लोरीन आ जाएगा क्योंकि इलेक्ट्रोफाइल ही सब्स्टिट्यूट हो रहा है। लेकिन यार यहाँ पे तो NO2 मेरा एक्सेप्टर ही है डीएक्टिवेटर ही है तो पैरा पे कैसे चला जाएगा, चलिए सोचते हैं। अगर इस क्वेश्चन में देखेंगे तो सबसे पहला काम होगा मेरा बेंजीन ले लेना, इस बेंजीन पे हम लोग क्या करवाएं तो आप NO2 करवाओ तो यहाँ पर हम लोग ले लेंगे कॉन्क HNO3 कॉन्क H2SO4 मेरा बन जाएगा नाइट्रोबेंजीन, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, अगर दिक्कत है तो पीछे वाला रिएक्शन देखो, ठीक है नाइट्रोबेंजीन बन गया। अब बताओ ये NO2 रूप मेरा एक्सेप्टर या डोनर, आप बोलोगे सर एक्सेप्टर, हम पूछेंगे एक्टिवेटर या डीएक्टिवेटर, आप बोलोगे सर डीएक्टिवेटर, हम बोलेंगे ऑर्थो पैरा या मेटा, आप बोलोगे सर मेटा, आपको प्रोडक्ट में कहां लाना है, आप बोलोगे सर मेटा पे, अपना काम बना हुआ है या बनाना पड़ेगा, हम बोलेंगे बना हुआ है। तो नेक्स्ट काम हैलोजिनेशन करवाना है, हैलोजिनेशन के लिए कुछ नहीं, यहां पर Cl2 ले लो और यहां पे आप FeCl3 ले लो, फिर यहाँ पर Cl प्लस इलेक्ट्रोफाइल बनेगा, अब इसके अकॉर्डिंग इलेक्ट्रोफाइल जाएगा क्योंकि अब बेंजीन प्लॉट खाली नहीं है, अब सब्स्टिट्यूएंट के अकॉर्डिंग जाएगा, सब्स्टिट्यूएंट यहाँ पर एक्सेप्टर यानी डीएक्टिवेटर तो ऑर्थो पारा या मेटा, आप बोलोगे सर मेटा तो बताओ यार मेरा यहाँ से क्या बनेगा, तो NO2 और मेटा पे Cl बाहर निकल जाएगा HCl और मेरा प्रोडक्ट बन गया मेटा क्लोरो नाइट्रो बेंजीन, मेटा क्लोरो नाइट्रो बेंजीन, इसमें किसी को दिक्कत तो बोला जाए, क्लियर। अब इस क्वेश्चन को देखते हैं,
इस क्वेश्चन को देखते हैं, यहां पर देखो आप बेंजीन रिंग है, बेंजीन रिंग के साथ अगर आप पहले नाइट्रेशन, यहां NO2 है, डीएक्टिवेटर है, तो पैरा पे तो कभी क्लोरीन नहीं जाएगा, मजा आ गया। आप अगर सोच लिए होगे तो, अरे पहले अगर हम लोग हैलोजिनेशन ही करवा दें, पहले अगर हम लोग हैलोजिनेशन ही करवा दें तब तो क्लोरीन आ जाएगा, और क्लोरीन ओरिएंटेशन के टाइम में प्लस एम, प्लस एम तो ऑर्थो और पैरा वाला मेजर, तब नाइट्रेशन तो करवा सकते हैं। जैसे देखो अगर हम लोग यहाँ पर देखें तो हम लोग क्या बोले, पहले नाइट्रेशन क्यों नहीं, नाइट्रेशन करवाने के बाद मजबूरी है कि हमको मेटा पे लगाना पड़ेगा और हम लोग को प्रोडक्ट में पैरा पे लाना है, तो हम लोग यहाँ पर नाइट्रेशन कराना सही या गलत? आप बोलोगे सर गलत, तो यार हम लोग दोनों में से कोई भी ना करवा सकते हैं, तो हम लोग को प्रोडक्ट के हिसाब से ना चलना पड़ेगा, तो बताओ यहाँ पर हैलोजिनेशन करवाएं या नाइट्रेशन? आप बोलोगे सर हैलोजिनेशन। क्यों हैलोजिनेशन? क्योंकि हैलोजन आपका ओरिएंटेशन के टाइम में प्लस एम होता है, रिएक्टिविटी के टाइम में माइनस आई होता है, ये हमने आपको बार-बार बताया है। तो बताओ यहां पे अगर हम लोग Cl2 और FeCl3 करेंगे तो मेरा ये क्लोरोबेंजीन बनेगा या नहीं बनेगा? आप बोलोगे सर बिल्कुल बनेगा। अब ये क्लोरीन मेरा प्लस एम होगा या नहीं होगा? आप बोलोगे सर बिल्कुल होगा। एक्टिवेटर या डीएक्टिवेटर? एक्टिवेटर। ऑर्थो पैरा या मेटा? आप बोलोगे ऑर्थो पैरा। मेजर कौन? पैरा। आपको लाना कहां है? पैरा पे। अरे यार ये Cl ऊपर चला गया, NO2 नीचे चला गया, तो बड़ा दिक्कत हो गया, आश्चर्य हो गया क्या? तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे अब कॉन्क एच एन ओ थ्री कॉन्क एच टू एस ओ फोर, यहाँ से एनओ टू प्लस बाहर निकलेगा, वो एनओ टू प्लस इलेक्ट्रोफाइल बना, अब इस सब्स्टिट्यूएंट के अकॉर्डिंग चलेगा, ये सब्स्टिट्यूएंट डोनर है, ये सब्स्टिट्यूएंट एक्टिवेटर है, ये सब्स्टिट्यूएंट ऑर्थो पैरा डायरेक्टर है, तो हम लोग यहाँ से कर देंगे क्या, तो बेंजीन रिंग के साथ Cl और उसके पैरा पे एनओ टू, और ये मेरा बाहर निकल गया क्या, तो एच टू ओ, तो ये मेरा बन गया। अब बताओ ये लिखो या इसी को आप ऐसे लिख दो, यहाँ ऊपर में NO2 और नीचे में Cl, क्या आश्चर्य हो गया, दोनों तो एक ही बात है यार। तो हम लोग ये देखेंगे कि कौन से सब्स्टिट्यूएंट को पहले करवाएंगे तो दूसरा सब्स्टिट्यूएंट कहाँ पे जाएगा, इसके अकॉर्डिंग चलना पड़ेगा। इन्हें सीखे चलो यार अभी नाइट्रेशन कराना सीखे, बड़े नाइट्रेशन से करा देते। अरे यार अच्छा ये बताओ यहाँ पर क्लोरीनेशन करा तो फंसते या निकल जाते? तो हम बोलेंगे पहले क्लोरीनेशन कराने से यहाँ से फंस जाते, और यहाँ पहले नाइट्रेशन कराने के बाद फंस जाते। तो ये आपको सोचना पड़ेगा बाबू कि कौन से सब्स्टिट्यूएंट लगाने के बाद उस सब्स्टिट्यूएंट का डायरेक्टर कौन सा है, ऑर्थो पैरा या मेटा, और वो जो ऑर्थो पैरा है तो मेरा नेक्स्ट सब्स्टिट्यूएंट उस बेंजीन पे कहाँ लगा है? ऑर्थो पैरा पे लगा है तब तो सही है, मेटा पे लगा है तो कोई डीएक्टिवेटर को पहले लगाओ। तो मेटा पोजीशन पे लाने के लिए आपको पहले डीएक्टिवेटर लाना पड़ेगा, ऑर्थो पैरा पे लाने के लिए आपको पहले एक्टिवेटर लाना होगा, हैलोजन एक्टिवेटर नाइट्रेशन डीएक्टिवेटर, ये आपको बेसिक चीज पता होना चाहिए। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग सल्फोनेशन और फ्रेडर क्राफ्ट एल्काइलेशन एसाइलेशन क्लियर कर लेंगे। आई होप ये बेसिक चीज समझ में आया होगा। ये दोनों रिएक्शन आप याद रखना, हैलोजिनेशन और नाइट्रेशन। हैलोजिनेशन में Cl2FeCl3, Br2FeBr3 और नाइट्रेशन में CONCHNO3 और CONCHQSO4, ये दोनों बेसिक चीज याद रखना। एक्टिवेटर में ऑर्थो पैरा डायरेक्टर, डीएक्टिवेटर में मेटा डायरेक्टर, क्लोरीन आपका हैलोजन होता है, हैलोजन के केस में आपका ओरिएंटेशन के टाइम में प्लस एम देखेंगे तो ऑर्थो पैरा दिखेगा, डीएक्टिविटी के टाइम में माइनस आई देखेंगे तो हम लोग को रिएक्टिविटी में एक्सेप्टर देखेंगे, तो उस टाइम में रिएक्टिविटी के टाइम में माइनस आई देखेंगे हैलोजन को और ओरिएंटेशन के टाइम में हैलोजन को प्लस एम देखेंगे। चलिए तो आप ये बेसिक चीज याद रखना, कॉमन नेम थोड़ा याद कर लेना। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग फ्रेडर क्राफ्ट एल्काइलेशन फ्रेडर क्राफ्ट एसाइलेशन करने के बाद खत्म करेंगे और देखेंगे हम लोग एडिशन या एलिमिनेशन। चलिए थैंक यू।